गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूनिक स्कूल सीकर। इन प्रीवियस क्लास वी वर रीडिंग अबाउट ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड इन दिस क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एप्रोटिक जो एसिड्स हैं उनके बारे में, उनकी जो एप्रोटिक एसिड्स और जो बेसेज हैं उनके बारे में ये क्या नहीं करता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। जैसे कि लाइक एज CO2, SO2, BF3, ETC, तो इसके लिए एक न्यू जो थ्योरी है वो थ्योरी प्रोपाउंड करने की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, और इसके लिए फिर जो लुईस है उन्होंने 1923 में नया कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के लिए दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड था? इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट था। यहाँ इसने भी क्या कहा, इन्होंने भी क्या कहा कि एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन से होते हैं? तो देखो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में अपन ने प्रोटॉन जो डोनर था उस प्रोटॉन डोनर को एसिड कहा था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वो क्या है? बेस है। इट मीन्स उल्टा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर था वो कौन था? बेस था। तो यहाँ पर क्या हो गया? एसिड। दोनों में क्या करना है अपने को? ऑपोजिट रखना है याद रखने के लिए। ठीक है, बेस और एसिड। तो बेस को तो यहाँ क्या कह दिया कि जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो तो इसने कहा कि बेस है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है? एसिड है। अब यहाँ अपन आगे देखते हैं, देखो कि इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक तो हो गया, अपन जैसे जनरली अपन कहें कि एक तो हो गया लुईस एसिड और एक हो गया लुईस बेस। ठीक है, लुईस एसिड कौन से होते हैं और लुईस बेस कौन से होते हैं? अपन बात करें एक एग्जांपल की पहले, जैसे मान लो कि BF3 है। ठीक है, क्या है? BF3 है, इसका अपन ने करवा दिया NH3 के साथ, तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है? देखो, ये इसके जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये किसको दे देता है? किसको देता है? बी को देता है, बोरोन को। ठीक है, तो ये क्या बनता है? BF3, यानी ये इसको दे देता है और ये NH3। तो यहाँ ये किसका फॉर्मेशन हुआ? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन से यहाँ पर लुईस एसिड और बेस का हुआ है। अब यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर BF3 जो है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एसिड हो गया, हो गया। और NH3 क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? बेस हो गया। और दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए लुईस एसिड और बेस जो है वो कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन लुईस एसिड की। तो जनरली जो कैटाइन्स होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कैटाइन। कैटाइन कैसे होते हैं? कैटाइन लुईस एसिड होते हैं। इसके अलावा दो सब्सटेंस विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आपने वेलेंसी के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी ऑक्टेट के बारे में आपने स्टडी की है 9th क्लास के अंदर, तो जिनका क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड भी किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? लुईस कॉन्सेप्ट वाली में आते हैं। अब इसके अलावा जो बच गए क्या थे? एनायंस बच गए, तो वो किस में आएंगे? लुईस बेस के अंदर आएंगे। जिनके अंदर जो है
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रजेंट हो, जिनके पास में क्या प्रजेंट हो, प्रजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी किस में आएंगे, लुइस बेस में आएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल की, तो देखो यहाँ पर BF3 तो इसमें आ ही गया और NH3 किस में आ गया, लुइस बेस में आ गया। इसके अलावा मैं लिखूँ H2O किस में आ गया, लुइस बेस में आ गया। जैसे मैं कहूँ AlCl3, जो अपनी बुक के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं उन्हीं एग्जांपल्स के बारे में बता रहा हूँ। Mg2+ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, Ca2+ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, Na+, ठीक है, दीज आर लुइस एसिड। एंड यहाँ पर देखो अपन ने लिखा है, इसके अलावा OH- एनाइन, Cl-, ये केटाइन है, ये एनाइन है, हो गया काम। ये देखो यहाँ पर ये केटाइन्स है और ये क्या है, एनाइन्स है, ठीक है। तो ये हुई लुइस एसिड और बेस का। लुइस एसिड और बेस में से यदि कोई जनरली क्वेश्चन आता है तो वो ये आता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इन लुइस एसिड और बेस, ठीक है, यानी कि 4 और 6 जो है एग्जाम्पल्स दे दिए और कहता है कि उनको कैटेगराइज करना है लुइस एसिड और बेस के अंदर। इसलिए इन जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर लेना बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट माइंड से, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये अपने जो कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट, वो तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुए। और आफ्टर लुइस कॉन्सेप्ट अब अपन बात करते हैं एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ देखो जनरल प्रॉपर्टीज में अपन देखते हैं, तो सबसे पहला तो अपन ने बात की है, अपने पढ़ा कि एसिड जो है ये टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है। बेस जो है ये कैसा होता है, बिटर होता है। नेक्स्ट अपन सेकंड प्रॉपर्टी देखें, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और जो बेस है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये तो हो गई दो जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद में अपन और बात करें तो लाइकली अपन बात करें कि जो एसिड एंड बेस जो है इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है, अब एक्वस सॉल्यूशन किसका, इसका अलग से और इसका अलग से, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन और बेस का एक्वस सॉल्यूशन जो है ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और गुड कंडक्टर किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, इसलिए इनका यूज़ जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के में किया जाता है। कैसे होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर किसके होते हैं, लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इनका यूज़ किस में किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में किया जाता है, ओके। नेक्स्ट अपन फोर्थ प्रॉपर्टी अपन देखें तो एसिड जो है ये एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करके और क्या करते हैं, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं प्लस H2O वाटर देते हैं और साथ में हीट जनरेट करते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि मैं प्रीवियस क्लासेज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये भी इसका क्या हो गया, एक करेक्टर हो गया। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट,
बेसेस क्या करते हैं यहाँ एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। यहाँ से देखो कुछ इंपॉर्टेंट अपन यहाँ से रिएक्शन निकालेंगे। एसिड जो है रिएक्ट करता है किसके साथ में, मेटल के साथ में, और मेटल के साथ में रिएक्ट करके और क्या यू करता है, ये देता है साल्ट और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस। किसका प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल की अपन बात करें HCl प्लस कौन सा मेटल के साथ में, सोडियम मेटल के साथ में किसका फॉर्मेशन हुआ, NaCl का, साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ओके, अदर एग्जांपल अपन कोई भी ले लें, जैसे कि मान लो HCl है, किसके साथ में रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम मेटल के साथ में, किसका फॉर्मेशन होगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कॉपर के साथ में करवा दो HCl प्लस CuCl2 प्लस H2। यदि अदर अपन कोई एग्जांपल लेना चाहें एसिड में, जैसे अपन ने कहा H2SO4 रिएक्शन करवा दी Cu के साथ में, तो CuSO4 प्लस H2, यानी यहाँ भी क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस यू करता है। कौन करता है, एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करके, मेटल के साथ में रिएक्ट करके। ओके, एक एग्जांपल जो अपने बुक में दिया हुआ है, H2SO4 की रिएक्शन करवाई हुई है किसके साथ में, जिंक के साथ में फॉर्म हुआ है जिंक सल्फेट प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रही है। देखो अब मैं जनरली इनके नाम बता देता हूँ। NaCl जो है इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया कॉपर क्लोराइड, इसके बाद में ये जो है इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट। आपने फॉर्मूला मेकिंग 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, आपने वहाँ से ये जो नाम के बेस के ऊपर आपने इसका जो किस प्रकार इसको केमिकल नेम देते हैं अपन फॉर्मूले को, वो आपने पढ़ा है, और फॉर्मूला कैसे फॉर्म किया जाता है नेम से वो भी आपने वहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, और फिर भी यदि रिक्वायरमेंट हो, यदि आपको नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, एक कोई भी जब एक क्लास जो है वो उसके ऊपर अपन फॉर्म कर देंगे और आपको जो है फॉर्मूला बनाना वहाँ से सिखा देंगे। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जो एसिड है ये एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करके और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस गिव करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और इस फैक्ट के कारण, ड्यू टू दिस फैक्ट, एसिडिक जो सब्सटेंस हैं दे आर कैन नॉट कैप्ट इन ए मेटल कंटेनर। ठीक है ना, लाइकली अपन जैसे कि मान लो शरबत बनाते हैं ना नींबू का, ठीक है, लेमन जूस, तो अपन कभी भी उसको क्या नहीं, कहाँ नहीं बनाते, किसी भी मेटल के कंटेनर में अपन उसको नहीं बनाते हैं। जैसे कि लाइक है, जैसे कॉपर का होता है तो उसमें नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, फिर उसमें क्या है, एसिड है लेमन में, और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करके, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बनाएगा, जो कि अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए क्या नहीं है, हेल्थी नहीं है, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है, और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस फिर अपनी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जिससे कि लाइक एज वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन जो एसिडिक सब्सटेंसेज हैं उन एसिडिक सब्सटेंसेज को किसी मेटल कंटेनर के अंदर कैप्ट नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो अपनी बात हुई एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन की। अपन दूसरा एग्जांपल, अदर एग्जांपल अपना क्या लेते हैं, अब बेस का लेते हैं कि बेस जो है ये मेटल के साथ में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो देखो, बेस रिएक्ट विथ मेटल, क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, नहीं, दिस रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल।
ओके, ये रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंसेज के साथ होती है, और वो भी क्या होता है, NaOH के साथ में सिर्फ और ओनली फॉर ZN जो मेटल है ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, यानी ZnO2 को बोलते हैं जिंकेट, और साथ में क्या जुड़ गया, सोडियम, इसका नेम हो गया सोडियम जिंकेट, ओके, और साथ में रिलीज होती है क्या, हाइड्रोजन गैस। सिर्फ ये एक ही एग्जांपल है, इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है इसका, कि बेस जो है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है, इसीलिए अपनी बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है, बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ ऑल मेटल्स विथ बेस, ओके, सो क्लियर दैट, यहां से क्लियर हुई बात। इसके अलावा अपना एक सिक्स पॉइंट और है, और वो है मेटल ऑक्साइड की किसके साथ में, एसिड के साथ में रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड जो है, ये मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या गिव करते हैं, साल्ट प्लस वाटर, क्या करते हैं, साल्ट प्लस वाटर, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल लेते हैं अपन CuO प्लस एसिड, अपन ने कौन सा ले लिया, HCl अपन एसिड लेते हैं, क्या फॉर्म होगा, CuCl2 प्लस H2O, और यहाँ जो ये साल्ट फॉर्म होता है या जो कॉपर ऑक्साइड है, अपन जब इसकी नेचर गेन करते हैं तो अपने को कैसी नेचर गेन होती है, अपने को बेसिक नेचर इसकी यहाँ से गेन होती है, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, अब ये बेसिक नेचर अपने को कैसे गेन होगी, जब अपन इसका क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करके और फिर उसका जब अपन जो लिटमस टेस्ट करते हैं किसका, मेटल ऑक्साइड का, तो फिर अपने को क्या गेन होता है, वो ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड अपने को गेन होता है, और फिर उससे अपन क्या करते हैं उसका लिटमस टेस्ट, और लिटमस टेस्ट करने पर वह रेड को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। सो अपन ने कह दिया कि इसकी नेचर जो है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। इसके अलावा नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब अपन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ में करवाते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो भी साल्ट और वाटर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि लाइकेज अपन बात करें, जैसे CO2 है, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। CO2 की जो रिएक्शन है, जब इस CO2 की रिएक्शन अपन किसके साथ में करवाते हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं CaOH का होल टू आइस, ये क्या है, बेस है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और प्लस यहाँ से क्या रिलीज होती है, यहाँ से जो वाटर है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ से अपन टोटली क्या कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी किसके साथ में रिएक्शन करके, बेस के साथ में रिएक्शन करके, और किसका फॉर्मेशन करता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से अपनी इस क्लास के अंदर अपन ने एक तो लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा, और आफ्टर देन अपन ने सिक्स जो है मेटल और नॉन मेटल की जो जनरल प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की अपन ने स्टडी इस क्लास के अंदर की है। इसके बाद में एसिड और बेसेज के जो यूजेज हैं, उन यूजेज की जो स्टडी है, वो स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके साथ में ही उसके बाद में अपना जो टॉपिक होगा, जो पीएच स्केल है, वो पीएच स्केल भी अपन उस नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में अपने को डिटेल स्टडी इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो आज की जो क्लास है, जिसमें अपन ने पढ़ा है ब्रॉन्स्टेड लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और जनरल प्रॉपर्टीज अपन ने एसिड और बेस की पढ़ी है, तो यहाँ से यदि आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई इतने ज़्यादा टफ नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट यहाँ है फॉर्मूला मेकिंग, और ये फॉर्मूला मेकिंग जो है, यह आपने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ा है, तो आप वहाँ से उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करें,
उसको वापस से फॉर्मूला मेकिंग को आप देखें और उसके बाद आप ये फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बनाने की जो ट्राई कीजिए आप। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है, यदि फॉर्मूला मेकिंग का आपको टॉपिक यदि दोबारा यदि पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास कभी भी कोई एक क्लास जो है वो फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर बना दी जाएगी और वो क्लास जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अदरवाइज टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।